तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के अंदर ओडीआई सीरीज खत्म हो चुका है और भारतीय करारी हार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग आएंगे तो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज आप सबको पहला टेस्ट सीरीज पर किस प्रकार से भारतीय प्लेइंग 11 दिखा जा सकता है बांग्लादेश के खिलाफ, उसी के साथ साथ टाइम भी आपसे बताने वाले। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आप सभी को पहला जो कि टेस्ट मैच अनुष्ठित होगा बांग्लादेश पर जो चट्टग्राम पर। उसके बाद हम लोग देखें तो इस मैच जो कि 14 दिसंबर में खेला जाएगा और सभी जो कि दिन खेला जाएगा 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक 9 AM पर हम सभी को दिखाई देगा इंडियन स्टेडियम टाइम। तो उसके बाद हम लोग प्लेइंग 11 के मुद्दे पर आएंगे तो किस प्रकार से प्लेइंग 11 हो सकता है, जो कि बेसिकली आप लोग जानते हो बहुत कुछ खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। उसके बाद भारतीय प्लेइंग 11 भारतीय स्क्वाड में भी परिवर्तन हो चुका है। हम लोग देखें तो केएल राहुल को जो कि उप कप्तान थे केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल को रोहित शर्मा इंजरी के बाद केएल राहुल को कप्तानशिप चुना गया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच पर। तो हम लोग थोड़ी सी मैच की जो कि इंडिया की प्लेइंग 11 देख रहे थे, तो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की प्लेइंग 11 इस प्रकार से होने वाला है। तो सुमन गिल के साथ आप सभी को लोकेश राहुल ओपनिंग करते नजर में आ सकती है आप सभी को। उसके बाद देखें तो जितेश्वर पुजारा 8 नंबर 3, नंबर 4 पर आप सभी को विराट कोहली नजर में आने वाले, नंबर 5 पर आप सभी को श्रेयस अय्यर नजर में आने वाले, नंबर 6 पर आप सभी को ऋषभ पंत नजर में आने वाले, नंबर 7 पर आप सभी को बेसिकली ऑलराउंड की भूमिका निभाने के लिए आएंगे रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद हम लोग देखें तो फिर से हम लोग देखें तो शार्दुल ठाकुर आपके पास एक बेहतरीन से ऑलराउंडर भूमिका निभा सकती है। उसी के साथ साथ अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, अक्षर पटेल भी आप सभी को नजर में आ सकते हैं। तो उसके बाद देखें तो गेंदबाजी के ऊपर देखें तो प्रेशर रहेगा गेंदबाजी पर फास्ट बॉलर को, जो कि मोहम्मद सिराज और उमेश यादव। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्लेइंग 11 हो सकता है भारतीय प्लेइंग 11 बांग्लादेश के खिलाफ 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। आप लोग नीचे कमेंट में बताया क्या भारतीय प्लेइंग 11 इस प्लेइंग 11 लेकर जाना चाहिए या तो नहीं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सेट करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।